स्वागत है आपका। हरिद्वार से मथुरा के लिए निकल पड़ा हूँ मैं, फिर मथुरा से वृंदावन जाऊँगा। तो मथुरा से मैंने ऑटो लिया, ऑटो से अभी मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अकेला था तो मेरे लगे 200 रुपया, अगर आप अपने साथियों के साथ आते हो तो आपके पैसे डिवाइड हो जाते हैं और कम पैसे लगते हैं। रात को मैं कमरा ढूंढते ढूंढते लेट हो गया, इसलिए सुबह का दृश्य परिक्रमा मार्ग से। और जब मैं पहुंचा परिक्रमा मार्ग पर तो पानी नहीं था, जब जैसे ही आगे आगे पहुंचा गया, पहले थोड़ा थोड़ा पानी था, मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा ही पानी होगा, पर पानी घुटनों से कमर तक, कमर से गले तक भी था, पर उस टाइम तक 4-4 फुट पानी कम हो गया था, फिर भी मेरी कमर तक पानी पहुंच रहा था। यहाँ के लोग इस बात को इतना पॉजिटिवली ले रहे हैं कि यमुना मैया उन श्री बिहारी जी के चरण स्पर्श करने के लिए आई हैं और मेरी कमर तक पानी पहुंच गया है। तो अभी मैंने वो ले लिया, बोट ले ली है, बोट से मैं पार जाऊंगा, यहाँ पानी मेरी कमर से नीचे नीचे होगा, घुटनों तक होगा। राधा मोहन के पास पहुँच चुके हैं हम, अभी बोट में ही हैं, जब उतरेंगे फिर आपको बताएंगे हम उतर गए। हाँ अभी उतर गए, मैं उतर गया हूँ मैं, अभी दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद ये देखिए, ये सबसे पुराना मंदिर है राधा मोहन जी का वृंदावन में, बाकी नए नए मंदिर हैं पर ये सबसे पुराना मंदिर है। बहुत प्यारा मंदिर है, इतना प्यारा मंदिर है कि क्या बात करें हम आपको। और इधर से देखिए, ये जा रही है यमुना मैया। यमुना मैया का जल पहले राधा मोहन जी से सटक के जाता था, अब थोड़ा दूर दूर होते होते लोगों ने कब्जे मार लिए। कब्जे मारने के बाद भी लोगों के दिल में बिल्कुल भी ये अभिमान नहीं है कि ये जगह हमारी है, कहते हैं कि ये जगह यमुना मैया की ही है। चलते चलते आ गया हूँ मैं बिहारी जी के, बिहारी जी के मैंने 10-15 मिनट लगा के दर्शन कर लिए हैं। एक तो मैं डर के फोन बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने ही एक आदमी का माँ बिहारी जी का लाडला लेकर छत पर बैठ गया और दातुन करने लगा उस चश्मे की डंडी से। तो पहले उसने तोड़कर वो दी ग्लास दिया है, फिर उसके बाद वो दिया क्या दिया, फिर दूसरा गिलास दिया, फिर वो तोड़ मरोड़ के पूरा फिर नीचे फेंका उसने। तो इसलिए मैं डर डर के फोन निकाल रहा हूँ बाहर। अभी मैं जा रहा हूँ राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, और मैंने कर लिए आपके रह गए। देखो पर्दा बंद हो गया, आपकी बारी। वो दर्शन लेना हुए मैं बताता हूँ, उनका श्रृंगार इतना सुंदर था कि कुत्ता तो वैसे हर दिन ही सुंदर है, पर मैं गया था कुछ ज़्यादा ही सुंदर थे, पिंक कलर की ड्रेस पहनी। मैं आ गया हूँ रंगनाथ जी के, मुझे जाना चाहिए था राधा रमन जी के, फिर निधिवन, पर मेरे को जैसे जैसे लोग बताते गए इधर 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 ये है इधर ये है, तो मैं वैसे वैसे आता गया। मैं रंगनाथ जी के पहुंचा दर्शन के लिए, तो उन्होंने अंदर जाने से बोल दिया कि मना कर दिया मेरे को, बोला कि उधर बाहर वेट करो क्योंकि भगवान के भोग का समय था, 1 घंटा वेट करने के बाद फिर जाकर दर्शन हुए। मुझे यहाँ भी 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि यहाँ भी टाइमिंग का हिसाब होता है, 4 बजे निधिवन खुलता है, फिर ही जाकर निधिवन के दर्शन होते हैं। तो बारिश इतनी ज़्यादा थी उन 2 घंटों में, इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी, जो दुकान के आगे छपरे नहीं लगाए होते टीन के, उनके नीचे खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा निधिवन खुलने का भी और बारिश का भी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। निधिवन की खास बात यह है कि यहाँ आज भी रासलीला होती है। निधिवन दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ राधा रमन जी के, यहाँ भी मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ा। तो उन्हीं 2 घंटों के बीच में मैं गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन कराया, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गोपेश्वर महादेव जी के। राधा रमन जी वृंदावन के इकलौते ऐसे विग्रह हैं जो कभी वृंदावन से बाहर गए ही नहीं, और इन्हें त्रिभंगी ललित भी कहा जाता है। बोलो राधा रमन लाल की जय।
राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ कमरे की तरफ। मुझे भूख भी लगी हुई थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, बड़ी तेज भूख थी, तो मैंने खाना खा लिया अभी। तो मैं सुबह जाऊंगा बरसाना, तो अभी मैं पहुंचा हूँ इस्कॉन टेम्पल के पास। इस्कॉन टेम्पल में जब एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं, तो पहले ये संस्कीर्तन करवाते हैं, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो बड़ा ही आनंदित है, बहुत ही मज़ा आता है। दर्शन करने थे मैंने, पर मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने रश भी देखा ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने बाहर से ही वंदना की और मैं चला गया। तो प्रेम मंदिर भी बाहर से ही देखा मैंने, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड था, उस क्राउड को देखकर मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, मैं ज़्यादा रश में नहीं रह सकता। अभी जा रहे हैं बरसाना, बरसाना ऑटो भी जाते हैं, पर बस प्रेफर की मैंने क्योंकि एसी बस थी तो अच्छा था। जय माता दी। यह माता रानी का मंदिर भी है, वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो धाम बनाया है इन्होंने, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगाई है माता रानी की। जय माता दी। जब बरसाना बस से उतरे हम, तो ऑटो वाले आए, उन्होंने बोला कि बहुत दूर है, इतने ये है, इतना वो है, तो कर करा के फिर ऑटो ले लिया। ऑटो 10 रुपये किराए से हम पहुँचे, तो 1 बजे कीर्ति मंदिर बंद हो जाना था, तो 12 बजे जब हम पहुँचे थे, तो फिर हमने पहले कीर्ति मंदिर के दर्शन कर लिए। कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लाडली जी के दर्शन के लिए चले गए थे। कीर्ति मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं लाडली जू के महल में। तो लाडली जू का महल अटारी पर है, और नीचे जो बरसाना गांव है पूरा, इतना प्यारा सुंदर दृश्य है, इतना प्यारा लगता है कि क्या ही बताएं। और ये सामने झांकी निकलती है, ये वाइट वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ झांकी निकलती है जब कोई भी त्यौहार होता है लाडली जू का, तो यहाँ झांकी निकलती है। और ये सामने जो अभी आप देख रहे हो, इसमें कीर्तन वगैरह होता है। अब बरसाना से गोवर्धन जा रहे हैं, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। ये श्री गिरिराज जी का मंदिर है, यहाँ से परिक्रमा मार्ग है सामने, यहाँ लोग माथा टेक रहे हैं। ये सामने मंदिर है गिरिराज जी का, पहला मंदिर जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। परिक्रमा स्टार्ट होने के बाद हम पहुँचे इधर पुच्छरों का लोठा, मीनिंग मुझे भी नहीं पता है, कहते हैं कि ये हनुमान जी को समर्पित मंदिर है। ये राजस्थान में पड़ता है मंदिर, परिक्रमा मार्ग में गिरिराज की। ऑटो वाले भैया ने बताया कि जब श्री कृष्ण भगवान जी ने गिरिराज जी को उठाया था, तो यहीं से उठाया था, ये अंदर उन्हीं का मंदिर है, अभी हम उधर जाएंगे दर्शन करेंगे।
चलो भैया 10 रुपये 10 रुपये आ जाओ। ये पानी की बोतल आ गई है। मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा ऑटो से ही की क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, तो इसलिए मैंने ऑटो से की। ऑटो में भी मेरा टाइम कोई 2.5-3 घंटे लग गए थे। अब आप ऑटो से परिक्रमा करते हैं तो वो क्या होता है कि आपको राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन नहीं होते क्योंकि ये बीच में से ही करवा देते हैं और वहाँ से ही फिर सीधा मानसी गंगा की तरफ ले जाते हैं। तो अगर आप पैदल परिक्रमा करते हैं तो उसमें आपको श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों दिख जाते हैं। गिरिराज जी के दर्शन और परिक्रमा कर लिए मैंने। अब मैं जा रहा हूँ वापस वृंदावन क्योंकि मुझे घर से बोला गया था कि यमुना जी का जल लेकर आना, तो मैं वापस आया हूँ जल लेने के लिए यमुना जी का। अकेले जाने का यही फायदा होता है कि जिधर मन करे आप उधर निकल जाओ। अगर आपके साथ और 2-4 और हों तो वो फिर बोलेंगे नहीं अब उधर नहीं जाना ऐसे वैसे। तो साथ में मेरे पास थोड़ा सा टाइम था इसलिए मैंने सोचा कि फिर से एक बार गिरिराज बांके बिहारी के दर्शन कर लूँ। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, फिर मैं सीधा यमुना जी में चला गया यमुना जी के पास और वहाँ से जल लिया। वहाँ से जल लेने के बाद मैं ऑटो लिया और ऑटो से सीधा स्टेशन मथुरा। फिर मथुरा के बाद मुझे गश आया था लेने गाड़ी लेके, तो गश के साथ को ड्राइवर भी थी। जा रहा हूँ घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करें।